साथियों नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। पिछले कई महीनों से चर्चा के केंद्र में बने हुए अमेठी के आरिफ और उनके सारस दोस्त की कहानी आप सभी को पता होगी। हम भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार अमेठी के आरिफ और सारस की दोस्ती की जो कहानी है उसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो भी ताज़ा अपडेट हैं, जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं इस पूरे मामले में, उससे आपको अवगत करा रहे हैं। हालिया मामला ये है कि कल अमेठी के उस सारस को रायबरेली के पक्षी विहार से कानपुर के चिड़ियाघर में भेज दिया गया। इसके बाद सियासत और तेज हो गई। अखिलेश यादव ने उस वीडियो को ट्वीट करते हुए लोगों को बताया कि रायबरेली से सारस को ले जाकर के कानपुर के चिड़ियाघर में पहुंचा दिया गया है। आखिर सारस से किस बात का बदला लिया जा रहा है? अखिलेश ने इससे जुड़े हुए कई पोस्ट अब तक किए हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपने आप को दोषी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जिससे भी मिलता हूं सरकार उससे उसका सब कुछ छीन लेती है, मैं आरिफ से मिला तो उसका सारस दूर हो गया। अखिलेश इससे पहले भी कई बार सारस को लेकर के बयान दे चुके हैं और सरकार से भी उन्होंने कहा कि एक बेजुबान जो एक इंसान से इस कदर मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, एक इंसानियत का रिश्ता है, उस पर तो सरकार को शोध करना चाहिए। लेकिन सरकार सारस को आरिफ से दूर करके आखिर क्या साबित करना चाहती है? देश और दुनिया के जो तमाम पशु पक्षी प्रेमी हैं वो चाहते हैं कि आरिफ को उसका सारस लौटा दिया जाए। इसके लिए लगातार लोग योगी आदित्यनाथ जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन सब की गुहारों का, उन सब की अपीलों का लगता है शासन सत्ता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और जो परिणाम आया वो सारस को आरिफ से अब इतना दूर भेज दिया गया है कि शायद ही अब आरिफ उससे कभी दोबारा मिल पाए। आखिर ये किस बात की सजा है? तमाम लोग बातचीत कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर ये किस बात की सजा मिली है आरिफ को, किस बात की सजा मिल रही है उसके सारस को। हमारे पुराणों में लिखा गया है कि जीवों पर दया करो, पशु पक्षियों से प्रेम करो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो आखिर एक बचाने वाले के साथ इस तरह की हरकतें क्यों की जा रही हैं? इस तरह का व्यवहार किस हद तक सही है? अखिलेश यादव ने आरिफ को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसके बाद जो नया ताजा घटनाक्रम है उसमें आरिफ के ऊपर वन विभाग की तरफ से मुकदमा दर्ज करते हुए उसे नोटिस भेजी गई है और कहा गया है कि 2 अप्रैल को उप प्रभागीय वन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर के अपना बयान दर्ज कराएं। किस बात की सजा दी जा रही है आरिफ को? ये देश का कोई भी पक्षी प्रेमी या पशु प्रेमी नहीं समझ पा रहा है। लोग तो कह रहे थे कि जिस आरिफ को सरकार को पुरस्कार देना चाहिए, जिस आरिफ के काम की वजह से सरकार को अनुसंधान करना चाहिए कि एक पक्षी और इंसान के प्रेम की जो डोर है, जो बॉन्डिंग है, उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत थी, अनुसंधान करने की ज़रूरत थी और दुनिया को एक मैसेज देने की ज़रूरत थी, एक कोशिश करनी थी, उसको ना करते हुए सरकार ने आरिफ से उसके सारस को दूर कर दिया। ये सभी कह रहे हैं कि ठीक है, कानून अपनी जगह है, लेकिन उन परिस्थितियों को कैसे भूला जा सकता है कि जब एक घायल पड़े सारस पक्षी के बच्चे को आरिफ लेकर आता है या सारस पक्षी को लेकर आता है जिसकी टांग टूटी हुई होती है और वो उसका इलाज करता है देसी तरीके से, उसे अपने साथ रखता है, उसे खिलाता पिलाता है, और वो सारस जो आज तक जिसका इतिहास रहा है कि वो अपने जोड़े में ही रहता है, जोड़े से अलग होकर के नहीं रह पाता, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो सारस तड़प तड़प कर जान दे देता है, वो सारस बगैर किसी जोड़े के एक इंसान के साथ आखिर कैसे रह रहा है? यही बात सबको हैरत में डाल रही थी और इसी बात पे
सारे लोग अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे और कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि सरकार इस पर कोई अनुसंधान करेगी। लेकिन ठीक इसके उलट हुआ। वन विभाग के अधिकारियों ने सारस को ले जाकर के रायबरेली के समसपुर के सारस पक्षी विहार में छोड़ दिया। वहां से वो सारस उड़ करके एक बार फिर से, आप सोचिए उसकी मनोस्थिति क्या रही होगी। एक इंसान तो अपनी जुबान से बोल करके अपनी तड़प, अपने दर्द को बता सकता है, लेकिन एक सारस जो बोल नहीं सकता, जिसकी भाषा, जिसकी आवाज़ को कोई समझ नहीं सकता, लेकिन उसके प्रेम को सारी दुनिया समझ रही है, वो अपने आरिफ के लिए उड़ता है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो अपने आरिफ के लिए उड़ता है और उड़ते उड़ते जब वो भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है तो एक गांव में उतर जाता है जहां जंगली कुत्ते उसे नोचने के लिए तैयार होते हैं। बीसैया गाँव होता है, वो रायबरेली का ही गाँव है और वहाँ के कुछ नौजवान साथी जाकर कुत्ते से उस सारस को बचाते हैं और उसे घर पर लाकर के खाना खिलाते हैं। खाना क्या, दाल चावल रोटी पानी उसे दिया जाता है, क्योंकि ये सारस आरिफ के साथ रहते रहते पिछले एक सालों से इस कदर इंसानों से जुड़ गया था कि इंसानों का खाना, इंसानों का भोजन ही वो करता था। उसे कीड़े मकोड़े खाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, नहीं तो वो समसपुर के उस पक्षी विहार में रह गया होता। उस सारस को खिलाया पिलाया जाता है, लोग वन विभाग को सूचना देते हैं। वन विभाग की टीम एक बार फिर जाती है, सारस को ले जाकर के एक कमरे में बताया जाता है, उसको रखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कैद करके रखा जाता है। कैद इसलिए लोग कह रहे हैं क्योंकि सारस पहले आज़ाद था, खुली हवा में जब चाहता था उड़ के परवाज करता था, जहाँ उसका मन चाहता था वो जा सकता था और जा करके शाम ढलने तक वापस लौट जाता था। ये काम शाम ढलने तक लौटने का जो था वो पिछले एक साल से नहीं भूला था। इस तरह से उसका रिश्ता आरिफ के साथ डेवलप हो चुका था। बहरहाल लोग इसे पॉलिटिकल एंगल की तरफ से देख रहे थे। अखिलेश यादव लगातार बयान पे बयान दिए जा रहे थे कि मेरे मिलने की वजह से आरिफ को ये नुकसान पहुंचाया गया है, सारस को उससे दूर कर दिया गया है। लेकिन कल घटी एक घटना ने इस बात को, लोग कह रहे हैं, लोगों का ऐसा कहना है कि इस बात को और भी प्रमाणिक कर दिया कि आरिफ के सारस को यूं ही दूर नहीं किया गया है। उसकी वजह लोग बता रहे हैं कि कल ही वन विभाग की तरफ से आरिफ को एक नोटिस मिल गया और उस नोटिस का जवाब 2 अप्रैल तक आरिफ को किसी भी हालत में देना है। तमाम देश भर की जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लगातार आरिफ और सारस की दोस्ती के बारे में लिख रही है, दिखा रही है। जो सोशल मीडिया के पत्रकार साथी हैं लगातार सारस और आरिफ के किस्से बता रहे हैं, सारस को कहां लेकर जाया जा रहा है उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ब्रीफिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सबकी संवेदनाएं आरिफ और उसके सारस के साथ जुड़ी हुई हैं। आरिफ के ऊपर जब मुकदमा दर्ज होता है, जब उसे 2 तारीख यानी कि 2 अप्रैल तक बुलाया गया है, इस बात की जानकारी जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को होती है तो आनन फानन में आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरिफ को भी बुलाया जाता है अखिलेश के साथ। वो मंच पर जहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी अखिलेश जी के कार्यालय पर, वहां पे आरिफ को भी बैठाया गया था और अखिलेश यादव ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए, बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया और कहा कि चलो ये मान लिया कि आरिफ आपको वोट नहीं देगा, आरिफ मुझे वोट देगा या किसी और को वोट देगा। लेकिन सारस तो किसी को वोट नहीं देने वाला था ना, अगर ये वोट की राजनीति नहीं है तो फिर सारस को आरिफ से क्यों दूर कर दिया। उन्होंने तमाम उन कथाओं और किस्सों का जिक्र भी किया कि मारने वाला बड़ा नहीं होता है बल्कि बचाने वाला बड़ा होता है। तमाम बातें उन्होंने कही। योगी आदित्यनाथ सरकार जो रोबोटिक प्लांट लगा रही उस पर भी उन्होंने, अखिलेश यादव ने सरकार को लपेट लिया और बड़े ही व्यंगात्मक अंदाज में अखिलेश ने सरकार पर हमला बोला है, आरिफ की वकालत की है। और जिस तरह से अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरिफ और सारस के मुद्दे को उठा रहे हैं और शंका जाहिर कर रहे हैं कि जो देश और दुनिया के पशु प्रेमी हैं, पक्षी प्रेमी हैं, कहीं ना कहीं सरकार की इस कार्रवाई से आक्रोशित होकर के
आंदोलन कर सकते हैं। अखिलेश जिस तरह से लगातार बैकअप कर रहे हैं आरिफ का, उन्हें इस बात का तो बिल्कुल अंदाज़ा है। वो कहते भी हैं कि मैंने एक इंसान और एक सारस की दोस्ती को देख करके अमेठी जा करके उनसे मिलने की कोशिश की, क्योंकि जब मैं 12 से 17 के दरमियान मुख्यमंत्री था तो मैंने सारस संरक्षण को लेकर के बहुत सारी योजनाएं चलाई थी, बहुत सारी मैंने स्कीमें चलाई थी, मैंने काम किया था। सरकार को उन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए था। एक बेजुबान से आखिर किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है कि इस तरह की चीज़ें सरकार कर रही है, इस तरह के आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। अखिलेश ने तमाम चीजों का हवाला दिया। अखिलेश ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा किसानों से, छुट्टा जानवरों से, सड़क पर चलने वाले लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं, सरकार उनको क्यों नहीं ले जाती। तमाम गौशालाएं बना करके उनको संरक्षित करने की जो बातें सरकार करती है वो सिर्फ कोरी बकवास करती है, उनको क्यों नहीं ले जा करके गौशालाओं में रखती। आखिर एक सारस ने क्या बिगाड़ा था। अखिलेश अपने इस बयान के दौरान काफी भावुक नजर आ रहे थे। अखिलेश ने यह भी कहा कि एक बार मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में एक मोर उड़ता हुआ आ गया, मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि ये आ तो गया है, जा नहीं पाएगा, क्योंकि हम इसको इतना अच्छा खाना खिलाएंगे, इसकी देखभाल करेंगे कि इसे भी हमसे प्रेम हो जाएगा और ये कहीं पर भी उड़कर नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि हुआ भी ऐसा ही। अखिलेश ने तमाम जिक्र किया। सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आज एक साल पूरा करने का जश्न मना रही है और एक साल की उपलब्धियों को बताने का प्रयास कर रही है। अखिलेश ने कहा दरअसल सरकार का एक साल नहीं पूरा हुआ है, सरकार का तो 6 साल पूरा हो गया है और 7वां बजट भी आ गया है सरकार का। अखिलेश ने सरकार पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सीधा लेकर के चलते हैं आपको अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और देखते हैं उन्होंने आरिफ के सारस और योगी सरकार के बारे में और क्या कुछ कहा है। बर्ड्स पे खत्म हुई है, हमारे साथ आरिफ खड़े हैं और आरिफ ने एक बहुत अच्छा काम किया कि घायल सारस को समय पर उठाया, उसकी जो सेवा कर सकते थे की, उसका इलाज कराया और उसको जिंदा बचा लिया। पर उस दौरान सारस उनका मित्र बन गया और उनके साथ एक मित्रता का व्यवहार उन्होंने किया। ये बात जब मैंने सोशल मीडिया पर देखी, अखबारों में पढ़ा और मेरी पार्टी के संगठन के लोगों ने जब बात रखी तो मेरी इच्छा हुई कि जाकर के मैं आरिफ और सारस से मिलूं। जाकर के मैं जब वहां गया हूं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं कहां से घबराहट हो आ गई। आरिफ तो वोट दे सकता है मुझे, सारस तो नहीं देगा वोट मुझे, आरिफ से दुश्मनी हो सकती है आपकी। और मैं ये कहूं कि आरिफ से क्यों दुश्मनी आपकी, वो तो एक साल से सेवा कर रहा था। आखिरकार झगड़ा तो हमसे है ना, समाजवादियों से आपका। मैं सारस से मिलने क्यों चला गया, मैंने सारस के साथ तस्वीर अपनी क्यों खिंचवा ली। और अगर मुख्यमंत्री जी की तस्वीर किसी जानवर के साथ, किसी के अपने प्रिय के साथ इतनी लोकप्रिय नहीं होती है तो उसकी तकलीफ उन्हें क्यों है इस बात की, उन्हें परेशानी क्यों है इस बात की। भाई वो आप अपने भी प्रिय को कभी बिस्किट खिलाते हैं, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं वो दाना खिलाते हैं, और वो तस्वीरें हमने आपने समय समय पर देखी हैं कि जो अपने प्रिय को, चाहे वो जानवर हो चाहे वो चिड़िया हो, हम दाना और बिस्किट खिलाते हैं। जब मैं कल लौट रहा था नोएडा से तो लोगों ने कहा कि यहां एक बोरा दाना कबूतर को खिलाया जाता है। मैं जिस घर में रहता हूं पंडारा में, मेरी छत पर मोर नाचता है, और अगर आप कहो तो मैं उसका वीडियो, उसकी तस्वीर दिखा सकता हूं। जब कभी भी मोर वहां आता है, मोर छत पर जाकर के नाचता है, हमें भी अच्छा लगता है और कोई होगा उसको अच्छा लगता है।
और उसके लिए मैंने बाकायदा दाने रखे हुए हैं। और क्या दाना रखना है? चना रखा हुआ है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री आवास में समाजवादी सरकार में एक मोर आ गया था और मैंने उस समय अधिकारियों से कहा कि मोर आ तो गया, अब जा नहीं पाएगा। मैंने उसको इतना अच्छा खाना खिलाया, इतना अच्छा दाना दिया कि मोर वही मुख्यमंत्री आवास में रहता था। मैंने एक तस्वीर सड़क पर हाथी चल रहा था एक्सप्रेसवे, उसकी तस्वीर ट्वीट कर दी। एसटीएफ गई, उसके महावत को उठा ले आई, जेल भेज दिया उसको। ठीक बात है, कानून है कि आप हाथी नहीं रख सकते हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप किसी को नहीं रख सकते हैं। और समय समय पर सरकार ने लाइसेंस भी कैंसिल किए हैं और जिनके पास अगर हाथी था तो उन्हें वापस सरकार को करना पड़ा। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप जान बचाने वाले इंसान को आप धारा लगा करके डराना चाहते हो, आरिफ को आप डराना चाहते हो, यही वन विभाग के अधिकारी उस समय कहां थे जब जो 2019 में एक महावत की हाथी ने हत्या की। महावत की हत्या हुई हाथी से क्योंकि मुख्यमंत्री जी का वो पड़ोसी था, उनकी स्वजाति का था, इसलिए वन विभाग सो गया, वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद अभी 2023 में उसी हाथी ने 3 लोगों की जान ले ली। सरकार पैसा दे रही है, सोचिए आप, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का स्वजाति है वो, मुख्यमंत्री का पड़ोसी है वो हाथी से जान ले रहा है, तो आप उसको सरकार से 5 लाख की मदद कर रहे हैं आप। मैं जानना चाहता हूं विभाग के लोग कहां हैं। और दबी जवान में ये विभाग के लोग हमें भी समझाने की कोशिश करते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, लाइन सफारी, एनिमल सफारी इटावा में बनी थी, 50 डियर और एंटीलोप्स, एक लेपर्ड खा गया। मैंने उस समय के प्रमुख सचिव, डिप्टी सीएम, मंत्री से कहा, तब जाकर के लेपर्ड पकड़ा गया। बताओ किसकी जिम्मेदारी थी अगर 50 डियर वहां खा गए एंटीलोप, आपने क्या कार्रवाई की? और फिर अगर आप इस तरह कार्रवाई करेंगे कि क्योंकि वो हम देख करके आ गए सारस, तो याद रखना आप भी अपने घर में कोई पालतू नहीं रख सकते। उस समय आएगा, समय बदलेगा, तो आप चीजों को नहीं पाल पाओगे, क्योंकि अगर कानून सारस के लिए है तो कानून और जानवरों के लिए भी है। आपने क्या कार्रवाई की बड़े बड़े शहरों में जिन्होंने कुत्तों ने किसी आम आदमी को खा लिया, सड़कों पर जो सांड मर रहे हैं, सांड जान ले रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हो आप? दुर्भाग्य हमारा उत्तर प्रदेश का। बताओ मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं हम रोबोटिक का प्लांट लगाएंगे। अरे मुख्यमंत्री जी, आप सांड नहीं पकड़ पा रहे हो, क्या रोबोटिक का प्लांट लगाओगे आप? हमने सारस का लगाया और मेरे आप पेज पे देखो कितनी बार सारस लगाया मैंने। तो कोई अचानक प्रेम आरिफ के प्रति नहीं हुआ, क्योंकि आरिफ ने सारस की जान बचाई, इसलिए मुझे लगा कि मैं उनके यहां जाऊं और उसको बधाई दूं जाकर के। बस सरकार को यही बुरा लगा, अगर मैं न गया होता तो उन्हें किसी रील से दिक्कत नहीं थी। अरे स्टोरी बीबीसी कर रहा था, सब स्टोरी कर रहे थे, आप कर रहे थे, हम कर रहे थे, उन्हें तकलीफ परेशानी इसी बात की। और सवाल यह है कि अगर 2019 में महावत मारा गया और 2023 में 3 लोगों की जान ली गई, मुख्यमंत्री जी के स्वजाति विधायक के यहां, उनके पड़ोसी के यहां, इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की? और अगर ये आरिफ के अलावा किसी और ने सारस को पकड़ा होता तो आज न जाने कहां तुलना हो रही होती, क्या क्या तुलना हो रही होती। क्या भगवान बुद्ध के बारे में नहीं पढ़ा सारस और हंस के बारे में? क्या था, कौन बड़ा है? मैं बचाने वाला बड़ा है। और अगर सारस की जान गई तो उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे खुद।